आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चीतों की भारत वापसी पर पीएम मोदी ने कहा, हमने तैयार किया है चीता एक्शन प्लान, दशकों से नहीं हुए थे सार्थक प्रयास। सरदार पटेल नहीं होते तो हैदराबाद को मुक्त कराने में लग जाता कई साल, मुक्ति दिवस समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आज से 2 दिवसीय लंदन दौरा। अमेरिका ने किया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते की पुष्टि, सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंचाना है उद्देश्य। यूसुफ पठान की तूफानी पारी के दम पर इंडिया महाराजा ने वर्ल्ड ज्वाइंट्स में 6 विकेट से हराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री योगी ने नमो प्रदर्शनी का लोकार्पण कर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान योगी ने पीएम मोदी को बधाई दी और देश का सपना साकार होने की बात कही। पीएम के बर्थडे पर देश के हर कोने में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं सीएम योगी ने भी नमो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही प्रदर्शनी का उद्घाटन कर सीएम ने कहा कि पीएम ने काशी को नया रूप दिया, भारत का विकास हो रहा है, आत्मनिर्भर की परिकल्पना साकार हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन अनेक कार्यक्रमों के साथ उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है और इस अवसर पर मुझे भी आप सबके साथ इस छाया चित्र प्रदर्शनी मैं सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 8 वर्ष के अंदर जो योगदान दिया है वह हम सब के लिए इसलिए भी अत्यंत प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिवस है। इस शुभ अवसर पर पूरे देश में हर जगह पीएम के जन्मदिन के कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यूपी के वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर समेत कई जगहों पर पीएम के जन्मदिन पर तरह तरह के खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कई जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर समेत कई जगहों पर पीएम के जन्मदिन दिवस पर तरह तरह के खास कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। आज जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहली तस्वीर वाराणसी से है, दूसरी तस्वीर अयोध्या की दिख रही है जहां कुछ महंत उनके नाम पर हवन और पूजन कर रहे हैं, तीसरी तस्वीर गोरखपुर से दिखाई जा रही है जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर गोरखपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया जहां भाजपा युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। वहीं इस शुभ अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष और MLC धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश में 15 दिवसीय रक्त डोनेट का अभियान आज से शुरू हुआ है जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और रक्तदान किया। जन्मदिवस 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सारे देश भर में एक सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम को आयोजित कर रही है।
उसमें पूरे 15 दिन तक चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को पार्टी ने डिजाइन किया है। आज 17 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में 272 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर का आयोजन करके रक्तदान कर रहे हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ, जिसके बाद सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की हनुमत यज्ञशाला में यज्ञ हुआ, जो कि दर्जनों संत समेत महंत राजू दास के नेतृत्व में हुआ। वहीं प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी का विशेष भोग लगाया जाएगा, साथ ही हनुमान जी की आराधना कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की जाएगी। नमामि गंगे के तत्वाधान में नमोघाट पर पीएम मोदी का 72वां जन्मदिवस मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और मोदी जी को बधाई दी। साथ ही गंगा में गंगा को वस्त्र समर्पित कर पीएम मोदी के दीर्घायु की कामना की। वहीं महानगर संयोजक ने बताया कि प्रधानमंत्री और काशीवासियों से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा जयंती एक ही दिन है, दोनों ही कुशल शिल्पकार हैं। वर्तमान राजनीति में मोदी सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, नवीन भारत के शिल्पकार हैं और प्रधानमंत्री को स्वच्छता रूपी उपहार देने के लिए हम सभी निरंतर प्रयासरत हैं। अमेठी के गौरीगंज इलाके का बुरा हाल पिछले 12 वर्ष से पहले ही अस्तित्व में आया था, जो कि आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसके बाद नगर पालिका सहित स्थानीय प्रशासन अब सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि सड़कों के किनारे नालियां न बनने के चलते जरा सी बारिश में भी सड़क भर जाती है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। यही नहीं, जल भराव के कारण सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हरदोई में मदरसों का सर्वे शुरू हो गया, जिसकी रिपोर्ट 5 अक्टूबर तक जिला प्रशासन को देनी होगी, जिसको देखते हुए जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और नायब तहसीलदार ने खदरा स्थित मदरसा बुस्ताने रहमत का सर्वे किया। आपको बता दें कि सर्वे टीम ने वहां मौजूद रजिस्टर और अन्य दस्तावेज भी चेक किए, साथ ही साथ मदरसे में कमरों की संख्या, पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम की जानकारी ली, जिसमें पता चला कि मदरसा बुस्ताने रहमत में उर्दू, फारसी, अरबी के अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ आदि भी बच्चों को पढ़ाई जाती है। टीम एवं अल्पसंख्यक विभाग की टीम ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे का सर्वे किया, जो हमारे जनपद में एक खदरा इलाके में रेलवे लाइन के पास है, जिसका नाम मदरसा बुस्ताने रहमत है। ये एक ट्रस्ट के द्वारा, संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, जो संस्था 2012 से रजिस्टर्ड है और इसकी ज़मीन और भवन ट्रस्ट के नाम ही दर्ज हैं। और ये भवन, इनके भवन में जो कमरे हैं, इनके कमरे की संख्या है आपके 4 कमरे और एक हॉल और एक ऑफिस है। इसके अतिरिक्त इसमें हॉस्टल भी है और दो कमरे ऐसे हैं जो शिक्षकों के रहने के लिए भी हैं। हुआ है आजकल मदरसों का, ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो सर्वे चल रहा है, उसके लिए जो परफॉर्मा आया है, 12 चीज़ों के बारे में सवाल किए गए हैं और उन सवाल के सारे सही सही जवाब यहाँ पर दे दिए गए। उसमें मदरसा क्या नाम क्या है, मदरसे का किस संस्था के तहत चल रहा है और मदरसे में इसकी आमदनी का ज़रिया क्या है और जो चीज़ें हैं उसके अंदर, सारी चीज़ों का जवाब दिया गया है और बहुत अच्छे तरीके से सब सर्वे हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारी दरख्वास्त है कि जितने भी मदारिस हैं वो लोग पूरा सहयोग करें सरकार का और जो जो चीज़ें ख़ास कर मालूम की जा रही हैं उनका सही सही जवाब दे दें और किसी किस्म का भी डरने की ज़रूरत। लखीमपुर के थाना बीरा क्षेत्र के दुष्कर्म की कोशिश में असफल रहने पर दूसरे समुदाय के 2 युवकों की गांव की एक युवती और उसकी मां की जमकर पिटाई कर दी थी। इस दौरान युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की खास बात यह रही कि पुलिस ने जानकारी के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। इसके अलावा पीड़िता की माँ से तहरीर बदलवा कर सिर्फ NRC की दर्ज करवाई गई। वहीं अब युवती की मौत के बाद खुलासा होने पर पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। SP खेरी ने बताया कि थाने में जो तहरीर आई थी उसी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दुष्कर्म की कोशिश जैसा मामला संज्ञान में नहीं था, वहीं मामले में छानबीन की जा रही है। दुकान पे और इतने देर में 2 लोग आए, सलीमुद्दीन और आसिफ। कहाँ के निवासी हैं वो? मोसेपुर के। एक नहर पे तारीख आए रहे हैं? 12 तारीख को। अच्छा ठीक। एक नहर पे रहते हैं, एक जय पुलिया पे रहते हैं। क्या हुआ फिर बताओ? फिर वो घर में आए, उसको मारा पीटा। किसको? हमारी बहन को। क्या नाम है? नाम नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं, नाम नहीं। उसको मारा पीटा कसके
और उसके साथ छेड़छाड़ और जबरदस्ती करना चाहा। हाँ। हम पता नहीं हुआ या नहीं, हम इतना नहीं जानते। हाँ। मगर छेड़छाड़ पर हम लिखाने की कोशिश किया। हाँ। उसने लिखा ही नहीं दरोगा जी। नहीं, तुम्हारी बहन ने तो बताया होगा क्या हुआ। दरोगा जी कहीं नहीं, तो बिटिया हमारी दूसरे जो बहन ने तुम्हारी क्या तुमसे बताया, जब तुम तो बताए क्या बताई, मारे आ रहा है करे आ रहा गलत काम मारे लखो भाई बड़ा वाला शब्द आने सब उसका मुहैया चोट जो सब जो जो सब चोट लगी हमारी बहन के। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर मम्मी आई थी लगे भाग गए जी, तो वहाँ शिकायत करें जाए जी, तो खाली हमारा नाम बूझ लीन जी, अब वे अपराधीन के नाम खाली बूझ लीन जी, और बस दूसरे से नहीं पता ना किसे लिखवाए करे, बस दे दिन बस हम लोग। और आज तबीयत खराब होने से 3 बजे जा रहा हूँ, युवा गए थे सी एस सी पे, तबीयत 5 बजे तक इलाज हुआ था, 6 बजे के बाद यहाँ पे आए हैं। उसके बाद तबीयत खराब होने के बाद मृत्यु बताई जा रही है, मृत्यु का प्रमुख कारण के लिए पीएम के लिए भेजा जाएगा, दूसरा होगा। लखीमपुर के थाना भीरा क्षेत्र के दुष्कर्म की कोशिश में असफल रहने पर दूसरे समुदाय के युवकों की युवती की पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं मृतक युवती का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद पोस्टमार्टम हाउस पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिस दौरान सपा का एक प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। देखिए यहाँ पर जो सुनने में आया कि उस लड़की के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई, और जब परिजन पुलिस के पास गए हैं तो पुलिस ने कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया, और उसको जब मारा पीटा गया है, लड़की हॉस्पिटलाइज हुई है और उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हुआ है, तो आज हम लोग उसकी पीएम कराने के लिए यहाँ पीएम हाउस में यहाँ खड़े हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लगातार उत्तर प्रदेश में स्पेशली लखीमपुर में लगातार इस तरीके की घटनाएँ घट रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम उम्मीद कर भी नहीं सकते अब कुछ भी, क्योंकि उनका तो एक तरीका है कि अब जब रेपिस्ट को बाहर निकालने के बाद उनका माला पहना के स्वागत हो, उनका टीका लगा के स्वागत हो, तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। कभी कभी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सुनकर काफी ताजुब होता है। देवरिया में ऐसी ही टेक्नोलॉजी सामने आई है जो एक बायोमैग्नेटिक है। इसके उपयोग से शरीर में लगभग कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके उपयोग से लगभग 300 लोगों को पूरी तरह से ठीक होने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि यह एक मैग्नेटिक सिस्टम है जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल और को मेंटेन करता है। वहीं इस दौरान लगभग दर्जनों लोगों ने बायोमैग्नेटिक के उपयोग को अपने आप को स्वस्थ बताया है। यह प्रोडक्ट बिल्कुल ये नेचुरल पद्धति है, ये प्राकृतिक पद्धति है, और हमारे बीच में यह बिल्कुल अनोखा अद्भुत चमत्कारी प्रोडक्ट बनकर के आया है। और इस पे यहाँ से कोई हमें जो है हमारे जीने के लिए कोई जो है जिसे हमको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैसे हम अपने जीवन को जो है लंबी जीवन जी सकते हैं, कि यहाँ जो है केवल सर सोना है और अपने ही घर का पानी पीना है, ये बिल्कुल नेचुरल पद्धति है। नमस्कार, मैं बीके सिंह देवरिया, और मैं इस प्रोडक्ट के विषय में जानकारी लेने के लिए कलकत्ता गया था। वहाँ ई वाइटोरियम प्रोडक्ट की जानकारी लेकर के जब माया और इसका यूज किया, मेरे को शुगर की परेशानी थी, और शुगर की परेशानी की वजह से मैं मतलब दवा पर विश्वास नहीं करता था। सोचा क्यों ना इसको लेकर के और इसका प्रयोग करके देखा जाए कि क्या इसमें लाभ है, और इस तरह से अगर ये काम करता है तो बिना दवा के हम रोगों से लोगों को मुक्त कर सकते हैं। इस अभियान को सोच करके मैंने इसमें लिया प्रोडक्ट, और आज 20-25 दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, काफ़ी रिलीफ है मुझे। ये वाइटोरियम में हमको पद्या सर ने लेके आए, कहें कि ये मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यूज करिए, इसका आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने कितनी बार आए हमारे घर पे बताए, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रही थी। एक बार विश्वास करके सोची, जैसे इतना पैसा दवा में लगा चुकी हूँ, एक बार विश्वास करके ये भी लेके यूज करके देखी। जब मैं हमने यूज किया तो हमको 15-20 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। हमीरपुर जिले में नाबालिग छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने छात्रा को दिल्ली से बरामद किया है, साथ ही 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 1 आरोपी फरार है, पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश कर रही है। ये थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर में आज से लगभग 1.5 महीने पूर्व एक बच्ची की गुमशुदगी और का मामला लिखा गया था थाने पर, जिसमें पुलिस की जांच के दौरान उसको पुलिस टीम द्वारा दिल्ली से उसको बरामद किया गया। इसके पश्चात
इस मुकदमे में दो व्यक्ति नामजद थे और साथ ही उस बच्ची को उसके जब बयान कराए गए उसमें उसने अन्य एक व्यक्ति का नाम लिया है और उन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने उसके साथ बलात्कार की घटना की है। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश, एक छात्रा का अपहरण कर फिर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया और इसको लेकर क्या अधिक जानकारी है आपके पास? देखिए, पूरा मामला बीते डेढ़ माह पुराना बताया जा रहा है। बीते डेढ़ माह पहले यहाँ के मुस्करा कोतवाली क्षेत्र के गाँव से एक छात्रा को उसके घर में से अपहरण करके दिल्ली ले जाया गया था, जिसके बाद छात्रा के पिता ने स्थानीय थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस लगातार डेढ़ महीने से छात्रा की तलाश कर रही थी। तभी बीते दो दिनों पहले यहाँ की स्थानीय पुलिस ने छात्रा को दिल्ली से बरामद किया है। बरामद होने के बाद छात्रा ने ये बयान दिया है कि उसके साथ तीन युवकों ने वहाँ दिल्ली में बंद करके एक कमरे में उसके साथ लगातार दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। साथ ही उसके साथ तरह तरह की यातनाएं दी, उसे प्रताड़ित किया, गर्म पानी में उसके ऊपर डाले, तरह तरह की यातनाओं का उसने गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही एक जो फरार अभियुक्त चल रहा है उसकी तलाश की जा रही है पुलिस की तरफ से। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रिजेश। अलीगढ़ के नदरई पुल का मामला, जहां पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज जारी है। वहीं परिजनों ने दो व्यक्तियों पर घटना का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। गोली मारी है इसमें। कब? आज दोपहर में मारी है। कहाँ पर? नदरई के पुल पर। तो क्या कोई विवाद चल रहा था इनका, क्या था? विवाद नहीं, मेरा लड़का लड़की लेके चला गया और मतलब वकील हमें जो कह तो रोज मिलवाने की कह तो आज डेढ़ महीना हो गया और ना मिलवा दो ना कुछ। हम बहुत तेरी वजह से विनती करते हैं कि मतलब मिलवा दो। और एक लड़का को नाम भी पता पड़ गई तो उसे हमने पकड़वा दो, तो वो वकील बाकी चक्कर में और गुमराह कर रहे हो। पैसा ही चीज लेके गो, कम से कम 16-17 लाख का जेवर है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।